हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर साइड में। आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12th यूपी बोर्ड का द सॉन्ग ऑफ द फ्री पोएम को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा हुआ है। दोस्तों, हम पहले इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देखेंगे, जिसे आप बोल सकते हो कि छोटा सा समरी है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या है कि जो पूरा जो कविता है, इसकी छोटी सी जो आइडिया आखिर में कहना क्या चाहता है कविता, उसे हम देखेंगे। उसके बाद हम स्टेंजा वाइज जो है इसके पूरे का जो भावार्थ हो गया उसे हम समझेंगे। भावार्थ मतलब क्या दोस्तों? एक्सप्लेनेशन, या क्या कहना चाह रहा है यह स्टेंजा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, वह कहते हैं लोगों से कि तुम अपने जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलना, भले ही कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही रास्ते पर चलना, कभी भी रास्ता मत भटकना। वो अपनी इस बात को साबित करने के लिए कई सारे उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि समस्याओं के बीच में रहने से ही हमारे अंदर की छुपी हुई जो खूबियाँ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो सामने आती हैं। जो छुपी हुई जो रत्न है हमारे आत्मा के अंदर, वो बाहर निकलता है। कब? जब हम पेन से, सफरिंग से, इन सभी चीज़ों से हम जब जाएंगे, गुजरेंगे जीवन में। इससे हम और भी ज़्यादा टॉलरेंट बन जाएंगे और हम एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो पेन है, जो संघर्ष है, जब इंसान इससे गुजरता है तो वह और भी अच्छा प्योर होकर सामने आता है और भी एक अच्छा इंसान बनकर आता है। और वो इन सभी को बताने के लिए कई सारे उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि सांप का उदाहरण देते हैं कि अगर भाई सांप को चोट लग जाती है तो, या फिर वो डर जाता है, तो वो जो है अपना फन निकाल लेता है, खोल लेता है लोगों को डराने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए। अगर हम कभी किसी फ्लेम को बुझाते हैं, आग को बुझाते हैं, तो वो आग और भी तेज जलने लगती है। और भी उदाहरण दिया है उन्होंने, जैसे कि अगर हम शेर को घायल कर दें, गोली मार दें, या किसी तरीके से चोट लग जाए, तो वो और भी तेज चिल्लाता है, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। इसी तरीके एक और उदाहरण दिया है कि अगर हम बिजली चमकती है तो बिजली चमकने के बाद दोस्तों हैवी, बहुत तेज बारिश होती है। उसी तरीके अगर इंसान भी बहुत सारी कठिनाइयों के साथ गुजरता है तो वह भी और भी ज़्यादा मजबूत होता है, उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ती है। वो कहते हैं कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें ज़िंदगी में मुश्किलों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुश्किलें हमें और भी अच्छा बना देती हैं। भले ही कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, तुम उसे फेस करो, उसका सामना करो, आगे बढ़ो, चाहे वो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक विपत्ति क्यों ना हो, कैलामिटी क्यों ना हो, या फिर आपका शारीरिक या फिर मेंटल यानी दिमागी रूप से ही पीड़ा क्यों ना हो, हमेशा सही रास्ते पर चलते रहो। तो दोस्तों, ये था हमारा सेंट्रल आइडिया। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन में, यानी कि जो यहाँ पर पहला स्टेंजा है, यहाँ पर टोटल 4 स्टेंजा है। हम पहले स्टेंजा को देखते हैं। जो पहला स्टेंजा है, ये भी कई बार आ जाता है आपको, 10 अंक के पूरे एक स्टेंजा का आपको रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आता है। तो आपको ये भी करना होता है, मैं सभी चीज़ें आपको हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ और बाद में वहाँ पर लिख लो। पहले हम यहाँ पर रेफरेंस लिखेंगे। जो पहला स्टेंजा है उसका आप रेफरेंस क्या लिखोगे? रेफरेंस सभी स्टेंजा में यहाँ पर सेम ही रहेगा। रेफरेंस का मतलब होता है कि भाई किस पार्ट से, किस चैप्टर से ये लिया गया है। तो आप लिखोगे कि ये जो लाइंस है ये ली गई हैं द सॉन्ग ऑफ द फ्री पोएम से, जो कि कंपोज किया गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। दीज लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज बाई स्वामी विवेकानंद। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। देखो दोस्तों, मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है आपको एक्सप्लेनेशन से ही लिखना होता है। जो आप एक्सप्लेन करोगे आपको उसी को और भी संक्षिप्त में, 2 लाइन में 3 लाइन में बस लिखना होता है, उसी को बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो पहले मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता दूँ, फिर बाद में कॉन्टेक्स्ट बताऊँगा। यहाँ पर जो कवि है वह कहते हैं कि एक सांप जो है अपने फन को तब खोलता है ताकि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके, या फिर जब वह डर जाता है तो अपने फन को खोल लेता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है वह बढ़ जाती है। इसी तरीके यहाँ पर एक और उदाहरण देते हैं कि अगर हम लौ को, ज्योति को, यानी कि जो लाइट है उसको अगर हम बुझाने की कोशिश करें, आग को, फायर को अगर हम बुझाने की कोशिश करें, तो और भी अधिक जो है जलने लगता है। उसी तरीके सिंह, सिंह मतलब क्या दोस्तों? सिंह का मतलब होता है शेर। अगर हम शेर को घायल कर दें तो अभी बहुत तेज चिल्लाने लगता है, दहाड़ने लगता है, जिससे लोग भी जो है वह डर जाते हैं। इसलिए
हमें मनुष्य को भी अगर इसी तरीके होता है, मतलब मनुष्य को भी अगर बहुत ज़्यादा सताया जाए, परेशान किया जाए, बहुत ज़्यादा पेन से वो गुजर रहा हो, पीड़ा से गुजर रहा हो, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा हो, तो वह संघर्ष, वह पीड़ा उसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली और अच्छा इंसान बना देता है। और वह हमसे कहते हैं कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि हम आत्माओं के अंदर जो एक दिव्य शक्ति है जो कि जीवन की हर मुश्किल घड़ी में, हर कठिनाई में, हर संघर्ष में हमारा साथ देते हैं, हमारा सहायता करता है। इसलिए दोस्तों मनुष्य को हमेशा भगवान पर आस्था भरोसा रखना चाहिए, यह चीज़ हमें स्वामी विवेकानंद जी समझाते हैं। हम दोस्तों इसके हम कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर आप बताओगे कि यहाँ पर कवि ने बताया है कि अगर किसी की आत्मा को बहुत ज़्यादा डीपली यानी डीपली अगर उसे झंझोर दिया जाता है, इस टिल्ड कर दिया जाता है, तो उसके अंदर की जो छुपी हुई क्वालिटीज़ हैं वो उसके निकल कर आती है, वो छुपी हुई हिडन क्वालिटीज़ सामने दिखती है, और जो अंदर डिवाइन पावर है जो कि हमारी मदद करती है, ऐसा इन्होंने बताया है कि डिवाइन पावर हमारी कठिनाइयों में, बुरी स्थिति में, पेन के समय में, सफरिंग के समय में हमारी मदद करती है, जिससे हम एक अच्छा इंसान बन पाते हैं। अब हम दूसरे स्टेंजा में बढ़ते हैं। दूसरे स्टेंजा में भी दोस्तों रेफरेंस आपका सेम रहेगा, हम कॉन्टेक्स्ट की बात अभी करेंगे, पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि हमारी आत्मा में कुछ छुपी हुई शक्तियाँ हैं। अच्छा, उन शक्तियों को बताने के लिए वो कई सारे उदाहरण दिए, कुछ उदाहरण तो आपको पहले भी बता ही दिया हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर हमें इन शक्तियों को उभारना है तो हमें बहुत सारे पेन सफरिंग से गुजरना होगा, तभी वो उभरती है। और वो बताते हैं कि कई महान गुण, जब वो शक्तियाँ उभरती हैं तो कई सारे महान गुण जो है हमारे सामने प्रकट होते हैं, हमारे अंदर दिखते हैं। जब वो डिवाइन पावर निकलती है तो बहुत सारे गुण दिखते हैं, जैसे जब भी आकाश में बिजली कड़कती है तब तेज वर्षा, तेज बारिश होती है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर में उनके काम करने का जो तरीका है ना दोस्तों, उसमें हमें विश्वास रखना चाहिए। कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ हैं, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो संघर्ष है, वो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। हमारे जीवन में बहुत सारे रुकावटें आएंगी, हमें उन सभी रुकावटों का साहसपूर्वक तरीके से सामना करते हुए सही रास्ते पर चलना है। और उसके बाद जब हम सभी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे तो उसके बाद जीवन हमें दोस्तों हमारे इस काम के लिए हमें पुरस्कृत करेगी, हमें अवार्ड देगी, ये हमें अवार्ड देगी आगे लाइफ में। हम इसका कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्रसंग देख लेते हैं। देखो दोस्तों, जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि जो यहाँ पर कवि हैं यानी स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो हमें इस डिवाइन पावर की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। वो बता रहे हैं कि अगर हम पेन से, सफरिंग से गुजरेंगे, अंडर इफ़ वी आर अंडर गोइंग थ्रू द पेन एंड द सफरिंग, देन वी विल बिकम अ बेटर पर्सन, और हम जो है और भी अच्छा पर्सन बन पाएंगे, हमारे अंदर और भी बहुत सारी खूबियाँ आ पाएंगी। अब हम दोस्तों तीसरे स्टेंजा की बात करते हैं। यहाँ पर जो तीसरा स्टेंजा है, रेफरेंस सब में सेम रहेगा, प्रसंग की बात हम बाद में करेंगे यानी कंटेक्स्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि हमें भगवान ने भरोसा रखना चाहिए, जो सर्वशक्तिमान है यानी कि ऑल माइटी है जो भगवान है, हमें उनके अंदर उन पर भरोसा रखना चाहिए। आँखें जो है हो सकता हो कि वो साफ न देख पाए, हो सकता हो वो धुंधली देख ले, हृदय जो है हो सकता हो वो कमज़ोर हो, लेकिन हो सकता हो कि हमारे जो दोस्त है वो हमें छोड़कर चले जाए, हो सकता हो कि हमारी जो वाइफ है, प्रिय पत्नी जो है, वो हमें हो सकता हो धोखा दे दे। और दोस्तों जो समस्याएं हैं, जो मिसफॉर्चून है यानी जो दुर्भाग्य है, हो सकता हो हमें बहुत ही सारे दुख दे दे, हमें पीड़ा दे दे, हमें बहुत ज़्यादा दर्द दे दे, दुखों की वर्षा कर दे। हो सकता हो दोस्तों कि जो अंधकार है, इग्नोरेंस है, वो हमारे आगे जो बढ़ रहे हैं हम, हमारे मार्ग में एक रुकावट बन जाए, हमारे प्रोग्रेस में एक रुकावट बन जाए। हो सकता हो हम अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाए, हो सकता हो हम अज्ञानता के कारण प्रगति ना कर पाए, हो सकता हो कि हम ज्ञान की मार्ग पर आगे ना बढ़ पाए। दोस्तों इन सभी समस्याओं में, इन सभी परिस्थितियों में, इन सभी संघर्षों में हमें अपने ईश्वरीय आत्मा, आत्मा मतलब क्या, हम सब हैं, और ये ईश्वरीय आत्मा है, ये डिवाइन आत्मा है, मतलब भगवान का ही यार हम लोग एक कण है, इसमें हमें विश्वास रखना चाहिए, ये हमें स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं। यहाँ पर हमें इस ईश्वरीय आत्मा में विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए, बिलीव बनाए रखना चाहिए, डिवाइन सोल में, सोल माने क्या, आत्मा।
हम इसका कुछ प्रसंग देख लेते हैं, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि हमें जो है, कहते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, हमें उन पर से भरोसा नहीं हटाना चाहिए। और यहाँ पर वो हमें समझाना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें रोक सकती हैं। दुर्भाग्य हमें रोक सकता है, हमें इग्नोरेंस हमें रोक सकता है, डार्कनेस यानी कि एकदम अंधकार जो है हमें रोक सकता है, लेकिन फिर भी हमें इन सभी कंडीशन से भी भगवान के साथ देना चाहिए, हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। अब हम दोस्तों चौथे स्टेंजा में पहुँचते हैं। यहाँ पर जो चौथा स्टेंजा है रिफरेंस सेम है, कंटेक्स्ट की बात हम बात करेंगे बाद में करेंगे, पहले हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि हमें जो है जीवन में बहुत सारी समस्याएं ट्रबल्स को फेस करना पड़ सकता है, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी जो कि हमें एकदम से तोड़ देगी, एकदम से क्रश कर देंगी, हमें एकदम से क्रश मतलब समझ लो, क्रश मतलब एकदम से तबाह कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हम सब एकदम हेल्पलेस हो जाएं, हमारी सहायता करने वाला कोई ना हो, तब भी जो है हमें अपना अच्छा काम करते रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। हमें बदलना नहीं चाहिए, हमें सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। हमें हमेशा जो है यह ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हमारी जो डिवाइन पावर है, जो दैव्य शक्ति है, वो हमें मदद करेगी हमें इन सभी समस्याओं से पार करने के लिए। और दोस्तों ये सच में प्रैक्टिकली होता है यार लाइफ में। और वो कहते हैं कि हमें कभी भी सही मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए, और जीवन में कितने भी समस्याएं, पीड़ा, दर्द क्यों ना हो, उन सबके बावजूद भी हमें सही रास्ते पर चलते हुए भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और दोस्तों ऐसी समस्याएं जो है हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं, मतलब कि हमारे छुपे हुए गुण को बाहर निकालती हैं, हम और भी निखर कर सामने आते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों पोएट जो है कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे कि बहुत सारी समस्याएं हमारी लाइफ में आ सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो है सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सही काम को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अच्छी चीज़ करते रहने चाहिए। लाइफ में डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो डिवाइन पावर है जो कि हिडन है हम सबके अंदर, वो जो है हमें हेल्प करेगा ताकि हम इन सभी समस्याओं को ओवरकम कर दें, इन सभी समस्याओं को हम पार कर लें। एक बात याद रखना दोस्तों कि जीवन में जब आदमी बहुत ज़्यादा झेल जाता है, बहुत ज़्यादा कष्ट सह लेता है, जब उसकी आत्मा एकदम से अंदर से झंझोर दी जाती है, तब उसके अंदर का जो छुपा हुआ रत्न है, जो डिवाइन पावर है, वो बाहर निकलती है, वो उसको इस कदर मैच्योर बना देता है, इस कदर समझदार बना देता है कि वो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा पूरा पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा हुआ है। दोस्तों कैसी लगी है पोएम? अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो, नीचे कमेंट करो, आपके कमेंट में पढ़ता हूँ। बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।